हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लारावेल में एक्सेल फाइल के थ्रू हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। वो चीज़ बेसिकली इस वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं कि लारावेल के अंदर हम जो डेटा है वो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल के थ्रू, और कैसे दोस्तों उसको एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली ये चीज़ जो हम करने वाले हैं लारावेल 9 के अंदर और उसका पैकेज यूज़ करके हम पूरा जो करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास लारावेल 9 ऑलरेडी यहाँ पे मैंने क्लोन किया हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास सेटअप यहाँ पे मैंने सबलाइन में ओपन कर लिया है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे सिंपली एक जो पैकेज है लारावेल में वो इंपोर्ट करना है। कंपोजर की मदद से वो पैकेज हम यहाँ पे डालेंगे। तो लारावेल में दोस्तों जो पैकेज है एक्सेल फाइल का, देखिए तो यहाँ पे दोस्तों उसका जो पैकेज है आपको मिल जाएगा laravelexcel.com। ठीक है, तो इसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डालना है, और वन बाय वन है दोस्तों यहाँ पे पूरा जो सेटअप वहाँ पे करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है 3.1, तो लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं। और ये पैकेज का नाम सिंपली दोस्तों यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है डेस्कटॉप के ऊपर वीडियो नाम का फोल्डर, उसके अंदर laravel 9, तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट। और ये दोस्तों ये जो कमांड है कंपोजर रिक्वायर की मदद से मैट वेबसाइट एक्सेल फाइल का जो पैकेज है वो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पैकेज है सिस्टम के अंदर जो है अपना प्रोजेक्ट लारावेल का उसके अंदर ये सेटअप हो रहा है। अभी दोस्तों फिलहाल थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैकेज है एक्सेल का वो यहाँ पे दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है दिया गया है वो चीज़ सेटअप करना है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि ये जो है सर्विस प्रोवाइडर के अंदर कॉन्फ़िग फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर app.php नाम का फाइल है, उसको ओपन करना है, और इसके अंदर प्रोवाइडर जो है आपको इस तरह से सेट करना है। तो सिंपली दोस्तों ये जो है उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कॉन्फ़िग के अंदर app.php नाम की फाइल, और यहाँ पे जो है मेरा प्रोवाइडर होगा वो यहाँ पे मुझे सेटअप करना है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपली दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और इसने बोला है, देखिए यहाँ पे एक्सेल जो है वो भी आपको यहाँ पे जो है एलियास के अंदर सेटअप करना है उसका एलियास। तो कुछ ऐसे सेटअप करेंगे उसका एलियास। सिंपली दोस्तों यहाँ पे ये रखने के बाद हमारा जो है सेटअप यहाँ पे लास्ट वाला जो है ये चीज़ यहाँ पे आपका जो अपना प्रोवाइडर है उसको पब्लिश करना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो एक्सेल का जो सेटअप है ठीक है वो यहाँ पे अभी कम्प्लीटली हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वन बाय वन हम स्टेप फॉलो करेंगे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो है एक काम करते हैं, पहले हमारा जो माइग्रेट डेटाबेस है उसको माइग्रेट कर देते हैं। ठीक है, टेबल जो है PHP आर्टिजन माइग्रेट, और दोस्तों यहाँ पे जो थोड़ा टेबल है और हमारा डेटाबेस के अंदर आ जाएगा। दोस्तों ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पहले से ही डेटाबेस मेरा बना के रखा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ENV फाइल के अंदर लारावेल नाम का डेटाबेस, और मेरे सिस्टम्स के अंदर लारावेल, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लारावेल का जो है डेटाबेस उसके अंदर मेरा 4 टेबल। तो इसके अंदर दोस्तों हम थोड़ा जो डेटा वगैरह यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक काम करता हूँ मैं डेटा डालने के लिए, दोस्तों यहाँ पे PHP आर्टिजन टिंकर, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों यूजर कॉलन कॉलन फैक्टोरी, और यहाँ पे जो है काउंट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं 2 रिकॉर्ड जो है उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे दोस्तों जो 2 रिकॉर्ड है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों इसको हम कॉपी करके भी अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको मैं एक बार कॉपी कर दे रहा हूँ वापस, और जो है यहाँ पे user 1 और 2 कर दे रहा हूँ लास्ट में, ताकि ये जो ईमेल है थोड़ा अलग हो जाए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे दोस्तों ये जो रिकॉर्ड है वो मैं 5 रिकॉर्ड अभी यहाँ पे फिलहाल रखता हूँ, उसके बाद जो है पूरा सेटअप हम यहाँ पे करेंगे। तो 5 रिकॉर्ड है दोस्तों वो यहाँ पे मैं अभी बेसिकली रिकॉर्ड जो है एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ा रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना 5 रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये 5 रिकॉर्ड है दोस्तों, ये 5 रिकॉर्ड को जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे, और फिर इसको एक्सपोर्ट करके बाद में उसको इम्पोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों यहाँ पे। आप तो अभी यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और करनी है, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अपना जो राउट्स के अंदर web.php है उसके अंदर हम राउट बनाएंगे, ठीक है, और कंट्रोलर के थ्रू जो उसका डेटा है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं अभी एग्जिट कर दे रहा हूँ इसको, और यहाँ पे दोस्तों जो है
कंट्रोलर बना रहा हूँ, पीएचपी आर्टिजन मैक कॉलन कंट्रोलर, और यहाँ पे दोस्तों यूजर कंट्रोलर। तो यहाँ पे मेरा जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे बन चुका है, आप देख सकते हैं एचटीटीपी फोल्डर के अंदर कंट्रोलर और यहाँ पे यूजर कंट्रोलर। ये यूजर कंट्रोलर दोस्तों आपको यहाँ पे वेब डॉट पीएचपी के अंदर कॉल करना पड़ेगा, अगर लारावेल 9 यूज करते हैं तो आपको नेम स्पेस देना पड़ेगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे सिंपली अभी कर रहे हैं, यूज करके आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे दे दी और हमारा यूजर कंट्रोलर है वो यहाँ पे सेटअप करना है। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली 3 राउट बनेंगे, तो सबसे पहला जो राउट होगा वो हमारा डिस्प्ले के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों फाइल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा कुछ यहाँ पे दोस्तों बनाते हैं, और अपना यूजर कंट्रोलर क्लास, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो है फाइल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा राउट बनेगा वो होगा फाइल पोस्ट मेथड में, फाइल होगा इम्पोर्ट, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और उसका फंक्शन होगा फाइल इम्पोर्ट का, ठीक है। राउट है उसका दोस्तों यहाँ पे नेम करके मैं दे रहा हूँ फाइल डैश इम्पोर्ट, ठीक है। ये फंक्शन है दोस्तों, मैं बाद में आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो है होगा एक्सपोर्ट का होगा, कंट्रोलर में आपको दिखाता हूँ फंक्शन बना के, और यहाँ पे भी दोस्तों एक्सपोर्ट, और ये जो चीज़ है इम्पोर्ट की जगह एक्सपोर्ट यहाँ पे सिंपली कर दिया हमने। तो ये हमारा हो गया राउट। अभी दोस्तों यहाँ पे जो है गेट मेथड करना है एक, ठीक है। ये दोस्तों हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जो अपना कंट्रोलर है यूज़र कंट्रोलर उसके अंदर ये जो है मेथड आपको यहाँ पे बनाना है फंक्शंस करके, तो तीनों में यहाँ पे मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फाइल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंक्शंस, दूसरा फंक्शंस होगा हमारा फाइल इम्पोर्ट का, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है, ठीक है, तीसरा फंक्शन एक्सपोर्ट का, तो तीनों जो फंक्शन है दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको सेटअप करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जो कंट्रोलर है इसके अंदर आपने सेटअप कर दिया पूरा। अभी दोस्तों यहाँ पे जो आपको कोड वगैरह करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सिंपली दोस्तों यहाँ पे काम करना है रिटर्न व्यू, क्योंकि रिटर्न करना पड़ेगा, एक फाइल रखना पड़ेगा रिटर्न व्यू, और यहाँ पे जो है फाइल इम्पोर्ट करके मैं एक बनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो पूरा सेटअप है वो यहाँ पे हम करेंगे। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर ब्लैड डॉट पी एच पी, तो ये चीज़ यहाँ पे बन गई हमारी फाइल। एक बार क्लोज करके ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे फाइल जो है यहाँ पे आ चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे जो है एचटीएमएल के साथ ही पूरा पहले से ही करना पड़ेगा कोड वगैरह। तो यहाँ पे दोस्तों लारावेल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ करनी है वो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो है उसका मैं ले लेता हूँ 4 वर्जन, बूटस्ट्रैप 4 CDN, ठीक है, वो यहाँ पे मैं ओपन कर ले रहा हूँ। और जो उसका CDN है दोस्तों यहाँ पे मैं कॉपी करके सिंपली इसको यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो बूटस्ट्रैप का क्लास है वो यहाँ पे चल पाए। तो ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा जो सेटअप है वो चीज़ आपको यहाँ पे सिंपली करनी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो है अपना फील्ड वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे बनाना होगा, फॉर्म वगैरह, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सिंपली जो है क्लास में लेता हूँ DAV क्लास कंटेनर, और यहाँ पे दोस्तों MT5 और टेक सेंटर, ये चीज़ हो गई हमारी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है H2 टैग लेना है आपको, और क्लास जो है दोस्तों यहाँ पे मैं दे रहा हूँ क्लास MB4, ठीक है, और उसका मैं टाइटल जो है दोस्तों यहाँ पे दे रहा हूँ लारावेल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेल, ठीक है, ऐसा कुछ दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही दे देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ पे लारावेल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। और दोस्तों यहाँ पे जो है फॉर्म बनाना पड़ेगा, फॉर्म के अंदर दोस्तों एक्शंस के अंदर दोस्तों हमने यहाँ पे जो बनाया था वो अपना राउट का नेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, राउट, और अपना राउट का जो नेम है फाइल इम्पोर्ट का जो राउट हमने बनाया था वो चीज़ हम यहाँ पे देंगे, क्योंकि ये जो फॉर्म है, फॉर्म जो होगा वो इम्पोर्ट करने के लिए काम आएगा। मेथड जो है दोस्तों यहाँ पे हमने पोस्ट दी थी पोस्ट, और यहाँ पे दोस्तों ENC टाइप मल्टी पार्ट / फॉर्म्स - डेटा, ये चीज़ हो गई। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे CSRF टोकन लेना है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ।
और डीए भी लेना है सिंपली। और इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे फॉर्म ग्रुप MB4 ये चीज़ हो गई। स्टाइल देता हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों थोड़ी, स्टाइल के अंदर मैक्स विड्थ 500 पिक्सल, और यहाँ पे दोस्तों जो मार्जिन है मार्जिन 0 फोटो, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी। इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे एक और डीए लेना है, क्लास देना है सिंपली इसको। क्लास में दोस्तों आपको कस्टम फाइल ठीक है, और यहाँ पे टैक्स लेफ्ट ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो दूसरा आपको देना है इनपुट, इनपुट टाइप होगा हमारा फाइल नेम होगा फाइल ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो है क्लास और कस्टम फाइल इनपुट ऐसा कुछ यहाँ पे दोस्तों उसका क्लास है। और यहाँ पे दोस्तों जो आईडी हमको एक देना पड़ेगा, और हम यहाँ पे जो है आईडी उसका देंगे, आईडी के अंदर कस्टम फाइल, ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी। और यहाँ पे दोस्तों लेबल जो है वो यहाँ पे दूंगा मैं, क्लास देना है कस्टम फाइल लेबल ठीक है, और यहाँ पे जो है फोर करके हमने यहाँ पे देना है कस्टम फाइल, यहाँ पे जो हमने आईडी में दिया था उसको कॉपी करके मैं सिंपली यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है दोस्तों चूज फाइल ऐसा कुछ यहाँ पे करना है आपको, डीएवी और हुआ, उसके बाद डीएवी ए भी और हुआ, और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में जो है बटन देना है सिंपली, तो बटन में यहाँ पे दे रहा हूँ, बटन जो है क्लास BTN, BTN प्राइमरी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्ट डेटा ठीक है, बटन हमारा और हुआ। ए टैग में यहाँ पे देता हूँ सिंपली एंकर टैग, और एंकर टैग में दोस्तों यहाँ पे जो है क्लास दे रहा हूँ सिंपली क्लास BTN, BTN सक्सेस। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे HREF में लिंक दे रहा हूँ मैं राउट का ठीक है, राउट का जो लिंक है हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये जो हमारा राउट का लिंक हमने यहाँ पे दिया था आप देख सकते हैं फाइल एक्सपोर्ट करके ठीक है, और यहाँ पे जो है उसको भी हम थोड़ा सेटअप कर देंगे क्योंकि दोनों का होना चाहिए यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा ठीक है। सिंपली ये दोस्तों हो जाने के बाद इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, ये हमारा राउट बना था यहाँ पे सिंपली फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक है, तो लारावेल 9.dv हमारा वर्चुअल होस्ट, यहाँ पे लारावेल का प्रोजेक्ट और फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है बटन, और यहाँ पे दोस्तों अपना जो है ये चीज़ हो चुका है। ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे कोड करना है, वो अपना कंट्रोलर के अंदर आपको पूरा सेटअप करना है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे सिंपली अभी कर रहा हूँ। हमारा कंट्रोलर दोस्तों यहाँ पे जब भी आएगा ठीक है फाइल इंपोर्ट के अंदर ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो है पहले एक्सपोर्ट का करते हैं दोस्तों, क्योंकि एक्सपोर्ट में डेटा मिल जाएगा तो फिर उसको उसका इंपोर्ट का जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे रिटर्न एक्सेल कॉलन कॉलन इंपोर्ट सॉरी डाउनलोड, और यहाँ पे जो दोस्तों है न्यू यूज़र एक्सपोर्ट, ये फाइल आपको बनानी पड़ेगी और मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। यूज़र कलेक्शन XLX ठीक है, तो ये चीज़ हो गई दोस्तों यहाँ पे यूज़र एक्सपोर्ट PHP आर्टिजन एक्सपोर्ट मैक कॉलन एक्सपोर्ट, और यहाँ पे जो है दोस्तों यूज़र एक्सपोर्ट का जो फाइल यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर दी। यूज़र एक्सपोर्ट है दोस्तों यहाँ पे जो है उसको नेम स्पेस देना पड़ेगा यूज़ करके कंट्रोलर में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी जाके ये जो चीज़ है आपकी यहाँ पे काम करेगी, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे सिंपली दे रहा हूँ यूज़र एक्सपोर्ट ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो यहाँ पे आपने कोड किया है यूज़र मॉडल के साथ ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको यूज़र मॉडल जो है वो भी आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर हमारा यूज़र मॉडल ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अपना यूज़र मॉडल हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है उसका आपको सेटअप जो है आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। फॉर्म कलेक्शन हम यूज़ करने वाले हैं, तो फॉर्म कलेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे दोस्तों कलेक्शन है सिंपली यहाँ पे दोस्तों रिटर्न यूज़र ऑल, और यहाँ पे मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ये दोस्तों हमारा एक्सपोर्ट का जो कोडिंग है वो यहाँ पे हो चुका है, एक बार एक्सपोर्ट करके डेटा देखते हैं।
यहाँ पे एक्सेल का जो नॉट फाउंड का एरर आया है वो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा यूज करके एक्सेल। ठीक है, एक बार वापस इसको लोड करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कलेक्शन हमारा बन चुका है। वापस दोस्तों एक बार इसको लोड करते हैं, एक्सपोर्ट डेटा किया हमने। और यहाँ पे दोस्तों अब डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ इसको और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो डेटा है दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। देखिए आपका जो सारा डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है, आईडी वगैरह, और हमने यहाँ पे 5-6 रिकॉर्ड, नेम, ईमेल जो लिया था हमने, ठीक है, वो चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, तो आप दोस्तों कुछ ऐसा जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर हमने टाइटल वगैरह सब कुछ देना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, हेडिंग वगैरह सब कुछ अगर आपको देना है तो आपको वो चीज़ जो है दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ करके। और कंटेंट और डेटा जो है अगर आपको मैप करना है तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, एक्सपोर्टेबल। हेडिंग वगैरह देना है तो आपको यहाँ पे हेडिंग का जो होगा वो चीज़ आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। हेडिंग का मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे उसका जो पूरा सेटअप है हेडिंग का, क्योंकि आपको हेडिंग करके यूज़ करके एक जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिंपली दिखा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है दोस्तों आपको मैपिंग डेटा के अंदर मिल जाएगी। मैपिंग डेटा के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है विथ हेडिंग वो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अपने एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये चीज़ आपको यहाँ पे हेडिंग में जो है रखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे, और विथ हेडिंग कलेक्शन हमने यहाँ पे बनाया था, विथ हेडिंग जो है कॉमा करके विथ हेडिंग देना पड़ेगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे पहला आईडी आ रहा था, उसके बाद जो था हमारा शायद नेम था, तो यहाँ पे मैं नेम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद था दोस्तों यहाँ पे ईमेल, तो ईमेल जो है वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ईमेल के बाद क्रिएटेड एट, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपडेटेड एट, तो दोनों चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो था ईमेल वेरीफाइड एट, ठीक है। तो ये 5 दोस्तों कॉलम थी यहाँ पे, 6 कॉलम, आईडी की और यूज़र का नेम, ईमेल, और यहाँ पे दोस्तों वेरीफाइड का रिकॉर्ड। सिंपली दोस्तों एक बार इसको जो हम एक्सपोर्ट करके देखते हैं, वापस एक बार एक्सपोर्ट किया, सेव करते हैं, ओवरराइट करते हैं फाइल को, और एक बार इसको वापस ओपन करके देखते हैं कि वो जो फाइल का हमने हेडिंग दिया था वो काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हेडिंग जो है अपना सक्सेसफुली काम कर रहा है। ये थोड़ा ओवरराइट है इसीलिए आपको थोड़ा आगे पीछे दिखाई देगा, लेकिन ये सही है। देखिए तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो हेडिंग है दोस्तों कुछ आप ऐसे सेट कर सकते हैं, आईडी, नेम, ईमेल, वेरीफाइड एट, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ठीक है। तो दोस्तों हेडिंग कुछ ऐसे बनता है। ये हमारा हो गया एक्सपोर्ट, ठीक है। अभी सिंपली दोस्तों एक बार इसको इंपोर्ट करके देखते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सेम चीज़ करना है जैसे हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो बनाया है उसके लिए अभी इंपोर्ट का जो है सेम आपको बनाना है। तो इंपोर्ट के लिए दोस्तों पहले का पूरा जो है वो बनाएंगे यहाँ पे हमारा कंट्रोलर, ठीक है, और कंट्रोल के अंदर जो पूरा सेटअप है उसका यहाँ पे करना है। एक्सेल कॉलन कॉलन इम्पोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों न्यू करके यूज़र इम्पोर्ट, ठीक है। ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपकी जो फाइल होगी वो यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये जो फॉर्म है फॉर्म के अंदर डालना पड़ेगा रिक्वेस्ट फॉर्म। रिक्वेस्ट फॉर्म है दोस्तों यहाँ पे आएगी, रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर आपको फाइल मिलेगी। फाइल के अंदर जो है अपना फाइल का नेम, और स्टोर होगा हमारा यहाँ पे टेम्प नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। और रिटर्न बैक, यहाँ पे दोस्तों यूज़र इंपोर्ट का जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, पीएचपी आर्टिजन मैक कॉलन इंपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र इंपोर्ट का जो है वो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इंपोर्ट का बन चुका है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जैसे हमने यहाँ पे ये यूज़ किया वैसे ही हम यहाँ पे इंपोर्ट का जो है वो यूज़ करेंगे, नेम स्पेस वगैरह। ऐप के लिए ऐप इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ पे इम्पोर्ट के लिए यूज़र इम्पोर्ट, ठीक है। सिंपली ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे यूज़र इंपोर्ट का जो आपका यहाँ पे बन चुका है उसको यहाँ पे आपको ऐड करना है। मॉडल है वो भी आपको यहाँ पे यूज़ करना है, यूज़र मॉडल, क्योंकि यूज़र के अंदर जो रिकॉर्ड है हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कलेक्शन वगैरह सब कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके भी आप पे जो रिकॉर्ड हमारा होगा वो यहाँ पे दोस्तों हम इंपोर्ट करेंगे। तो मॉडल के थ्रू हम जो इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों मॉडल, ठीक है, और यहाँ पे जो है एरे, और दोस्तों यहाँ पर रो आएगी टू मॉडल, और विथ हेडिंग रो का जो
यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंपोर्ट के अंदर, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लेंगे। मॉडल जो होगा दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसका जो पूरा सेटअप है टू मॉडल, ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और टू मॉडल है दोस्तों यहाँ पे आप कुछ ऐसा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। टू मॉडल हमने यूज़ किया और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है एक चीज़ और करनी है विथ हेडिंग रो, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ आपको जो जो भी चीज़ करनी है, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगी दोस्तों। सिंपल दोस्तों ये विथ हेडिंग रो हमको यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे टू मॉडल और विथ हेडिंग रो ऐसे कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो कुछ सेट ऐसे कुछ आपको यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है रिटर्न, सिंपली मैं कर रहा हूँ रिटर्न, रिटर्न न्यू और हमारा यूज़र मॉडल, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा रिकॉर्ड है वो यहाँ पे ऐड होगा दोस्तों। नेम के अंदर दोस्तों हमारा ऐड होगा, ठीक है, रो रो के अंदर भी हमको नेम मिलेगा, सिंपली नेम, ठीक है। उसके बाद है हमारा ईमेल दोस्तों, तो वो भी हमको यहाँ पे मिलेगा ईमेल। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड जो होगा दोस्तों वो हम मैन्युअली यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, हैश किया पासवर्ड और यहाँ पे दोस्तों जो है 126 में सेटअप किया। सिंपली दोस्तों ये जो हमारा जो बना है इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे एरर आएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे यूनिक दे रखा है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि लारावेल का जो हमने यहाँ पे टेबल था हमारा, तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा ईमेल जो है दोस्तों यहाँ पे यूनिक सेटअप किया है, तो इसको हम एक बार देखें यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे यूनिक जो है दोस्तों इसीलिए ये प्रॉब्लम करेगा। तो एक काम करता हूँ मैं इसको जो है एक बार ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है, ट्रंकेट कर दे रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो रिकॉर्ड है यहाँ पे यूज़र मॉडल में हम इंपोर्ट करेंगे। देखिए एक बार यहाँ पे यूज़र कलेक्शन वन सेटअप किया मैंने यहाँ पे, और इम्पोर्ट डेटा कुछ इम्पोर्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट अगर होता है तो यहाँ पे आपको देखना मिल जाएगी। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे जो रिकॉर्ड है अपना इम्पोर्ट हो जाएगा। और मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है दोनों चीज़ कैसे होती है। यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्ट का जो फंक्शन है वो भी सेम चीज़ काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे अगर दोस्तों मैं उसको दूसरी बार यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा, क्योंकि ये जो है ईमेल यूनिक का यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है। देखिए आप, तो अगर मैं इसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है, इंडेक्स का जो है, ठीक है, अभी मैं आप जितनी बार चाहे उतनी बार जो रिकॉर्ड है यहाँ पे डाल सकता हूँ। देखिए अभी 10 रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों कुछ ऐसे जो है रिकॉर्ड यहाँ पे दोस्तों ये आप देख रहे हैं वो सारा डुप्लीकेशन है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बारी बारी रिपीट किया हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ इसको, तो एक्सपोर्ट में भी मुझे जो रिकॉर्ड है यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए आप सेम चीज़, अगर दोस्तों यहाँ पे अभी 11 रिकॉर्ड है तो यहाँ पे हमको 11 रिकॉर्ड जो है वो चीज़ हमको यहाँ पे मिल गई विथ टाइटल। तो दोस्तों आप कुछ जो है अपने हिसाब से लारावेल में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लारावेल 9 में कुछ ऐसे एक्सेल फाइल के थ्रू ऐसे कुछ कर सकते हो। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।